ये कमजोर मानसून के चलते हुई कम बारिश और बर्फबारी के चलते ऊंचे पहाड़ों पर बने सूखे जैसे हालात की उत्तराखंड के जंगलों में जो भीषण आग लग रही है, यही कारण बताया जा रहा है। वन और पर्यावरण विशेषज्ञ भी इसी बात को मान रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अमूमन मार्च अप्रैल में पतझड़ के बाद ही जंगलों में आग लगती थी। इससे पहले पहाड़ों पर वर्षा और बर्फबारी की वजह से नमी रहती थी जो आग नहीं लगने देती थी, लेकिन इस साल उत्तराखंड में बहुत कम बारिश हुई और ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी कम मात्रा में रही है, तो इसलिए अक्टूबर नवंबर से ही पहाड़ी जंगलों में आग लगी हुई है जो अब लगभग अनियंत्रित हो चुकी है। सरकार अब हेलीकॉप्टर के जरिए पानी गिराकर इसे बुझाने की कोशिश कर रही है, जिसके सफल होने की संभावना यहां बेहद कम होती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के पूर्व प्रमुख वन संरक्षक, आपको बता दें, आईडी पांडे कहते हैं कि हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए अनुपयोगी साबित होगा। एक बार पानी डालने के बाद जब तक हेलीकॉप्टर दूसरी बार टिहरी झील से पानी लेकर आएगा और इतनी देर में आग पहले से ज्यादा भड़क जाएगी। दरअसल उत्तराखंड में मॉडर्न फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट के निदेशक रहे पांडे को तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण सचिव टीएन शेषन ने एक हवाई जहाज और एक हेलीकॉप्टर दिया था। हवाई जहाज से आग का पता लगाना था और हेलीकॉप्टर से पानी डालकर आग को बुझाना था। तो ऐसे में लगातार आपको बता दें कि उत्तराखंड के तमाम जो जंगल हैं वहां पर आग की तस्वीरें देखी जा रही हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से विशेषज्ञों की माने तो यही वजह निकलकर सामने आ रही कि इस बार उत्तराखंड में काफी कम बारिश हुई है और बर्फबारी भी काफी कम हुई है, जिसकी वजह से जो उत्तराखंड के जंगल हैं वो धधक रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले सीजन में बर्फबारी या फिर बारिश की बात करें काफी कम हुआ है, और ऐसे में जिस तरीके से अक्टूबर से अभी तक के जो आंकड़े हैं 1400 हेक्टेयर जंगल उत्तराखंड के जो है आग में झुलस चुके हैं, और ऐसे में जिस तरीके से वन संपदा को एक भारी जो नुकसान है वो उठानी पड़ी है, और जिस तरीके से मौजूदा में जो स्थिति है अभी भी कुमाऊं और गढ़वाल के कई जगह जंगलों में आग लगी हुई है, हालांकि प्रशासन की तरफ से इसे बुझाने की जो कवायद है की जा रही है, और जिस तरीके से वन विभाग की तरफ से वन कर्मी इसे बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से जंगलों में जो आग की घटनाएं हैं लगातार विकराल रूप ले रही हैं, ऐसे में जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, लोगों से भी आग्रह किया जा रहा है, जंगल के किनारे रहने वाले लोगों से, कि वो भी आग की घटनाओं को रोकने का प्रयास करें, उन्हें बुझाने का प्रयास करें, और अगर आग बड़ी ज्यादा लगी हो तो उसे तुरंत वन विभाग के संबंधित जो टोल फ्री नंबर है उस पे सूचना दें। विभाग की तरफ से पहले से ही जागरूक किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से आग लगातार बढ़ती चली जा रही है, संसाधन की जो कमी है वो भी देखी जा रही है, ड्रोन नहीं है विभाग की तरफ से, प्रस्ताव बनाया गया अत्याधुनिक मशीनों को लेके भी प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, और ऐसे में जिस तरीके से अभी सैटेलाइट के जरिए निगरानी रखी जा रही है जंगलों पे कि कहां कहां आग लगी है, और उसके बाद ही उस पे काम किया जा रहा है उसे बुझाने का। वनकर्मी हालांकि गश्त करते हैं, वो भी इसकी जानकारी रखते हैं, लेकिन कई ऐसे अत्याधुनिक उपकरण हैं देश के कई राज्यों में जहां आग बुझाने में काफी मददगार साबित होते हैं। अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की और उड़ीसा की बात कर ले, वहां भी अंगलों चले। ज्ञानेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार आग जो है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ पर चिंता का विषय भी सरकार के लिए हो गया।